अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खमीरा गाउजबान अमरी का रिव्यू, जो कि कड़शी वालों का है। पहले मैं रिव्यू इसका लेके आया हूँ, हमदर्द वालों का भी लेके आया था, लेकिन वो छोटी पैकिंग थी। अब मैं खमीरा गाउजबान अमरी के जार का रिव्यू लेके आया हूँ और इसमें आपको बताता हूँ कि इसकी रिटेल प्राइस वगैरह क्या है और इसकी पैकिंग वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके फायदे और नुकसान की बात करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये है कड़शी का खमीरा गाउजबान अमरी और ये जार है। 500 ग्राम्स का ये जार होता है, यानी कि आधा किलो का ये जार होता है और इसकी जो रिटेल प्राइस है ये देख सकते हैं आप, 1920 रुपए का ये जार है और 23 की ये मैन्युफैक्चरिंग है, 26 की एक्सपायरी है। उसके अलावा अज्जा आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके ये दिखा रहा हूँ, पॉज करके आप इसका देख सकते हैं। यहाँ पर इसके खवास वगैरह, बच्चों के लिए तरकीबें इस्तेमाल, बड़ों के लिए भी देख सकते हैं, डोजेज वगैरह इंग्लिश में ये आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसके इंडिकेशंस और ये इंग्रेडिएंट्स आप इसका पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और इसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ इसके फ़ायदे हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। और आप इसमें देख सकते हैं ये सील्ड है और जिस खमीरे पे सील ना लगी हो आपने नहीं लेना, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, उनसे कहें चेंज करके दें, क्योंकि हर जगह से सील्ड होता है। अगर सील ओपन हुई होगी इसका मतलब है वो यूज़ हुआ होगा। अब ये मैं आपको, ये मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ के लिए लाया हूँ यूज़, तो ये इसको आपको ओपन करके मैं दिखाता हूँ सील को। ये देखें, इसको आपने इस तरह सील ओपन कर लेनी है। ये देखें, ये हो गई है सील ओपन। अब इसके अंदर भी एक और सील होती है, वो भी आपने ओपन कर लेनी है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, मैं आपको पॉज करके दोबारा कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। जी तो व्यूअर्स, ये सील ओपन की है मैंने, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का होता है खमीरा गाउजबान अमरी कड़शी वालों का। अच्छा, आप इसमें फ़र्क महसूस करेंगे, जो हमदर्द का होता है उसमें चांदी के वर्क होते हैं, लेकिन इसमें चांदी के वर्क नहीं। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ ये देख सकते हैं, इसमें ब्लैक ब्लैक ये मुरक्कब आपको नज़र आ रहा है, वो इसमें से ही, जो अज्जा मुरक्कब है इसमें से ही इनके अंदर मिक्सचर है, जिसकी वजह से ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। अब खमीरा गाउजबान अमरी के फवाइद की बात करते चलें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खमीरा है, जो कि मैं, ये आपको मैंने बताया जैसे कि ये मैं अपने लिए लेके आया हूँ अपने इस्तेमाल के लिए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि अगर मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहा हूँ उसको रिकमेंड आपको कर रहा हूँ। वरना अक्सर लोग ये करते हैं कि चीज़ फ़ायदा नहीं भी देती तो उसका रिव्यू लेके आ जाते हैं, उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं की होती उसका रिव्यू दे रहे होते हैं बड़े धड़ल्ले से कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं पहले खुद इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो खमीरा गाउजबान अमरी है कड़शी वालों का, मैंने मैं तकरीबन 2016 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2016-17 में, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी और मैंने ये इस्तेमाल किया। तो दरमियान में मैंने बल्कि छोड़ दिया था इसको। अब मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेक्टिक वर्क रूटीन है, बहुत ज़्यादा वर्क है, तो उससे ये होता है कि दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से मेरे पट्टे जो है वो खिंच जाते हैं, तो दोबारा से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा ये खमीरा गाउजबान अमरी लेके आया हूँ। और कड़छी का इस वजह से लेके आया हूँ क्योंकि मैंने हमदर्द का भी इस्तेमाल किया था तो वो मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा। पर्सनली मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा चलता है वो हमदर्द का ही चलता है, लेकिन कड़छी वालों का महंगा भी है। और ये है कि किसी को कोई सूट बैठ जाता है, किसी को कोई सूट बैठ जाता है, ये हर किसी की अपनी वो होती है, लेकिन मुझे जो है कड़छी वालों के खमीरा अमरी ने ज़्यादा फ़ायदा दिया, इसलिए मैं आपको भी वही रिकमेंड करूँगा कि आप, वैसे मैं रिकमेंड आपको दोनों ही करता हूँ कि दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगह, लेकिन जिसको अगर कोई हमदर्द का इस्तेमाल कर रहा है उसे कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा तो कड़छी की तरफ वो कड़छी का इस्तेमाल करके देख ले, नहीं तो अगर कोई कड़छी का इस्तेमाल कर रहा है उसे इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है तो वो हमदर्द का इस्तेमाल करके देख ले। हर किसी की अपनी नेचर होती है। तो इसमें अब मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ, मैंने सारा इसका आपको बैकग्राउंड बता दिया, अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। फायदे इसमें ये है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये पट्ठों के खिंचाव को दूर करता है, जो असाबी तनाव है उसे दूर करता है, दिमागी जिसे चक्कर आना या आई साइड वीक हो जाना, आंखों पर दबाव पड़ना, उसके लिए काफ़ी मुफीद है। लोगों को अक्सर ये होता है, हेक्टिक वर्क रूटीन होती है, तो वो ये एक सप्लीमेंट
सप्लीमेंट माना जाता है, यानी कि डेली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं आपको जैसे मेरी तरह आपको लगे कि अब बहुत है, अब इसकी जरूरत नहीं है मजीद, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपको फिर दोबारा अगर इसकी जरूरत महसूस हो मेरी तरह, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आधी आधी चम्मच आपने सुबह शाम इसकी इस्तेमाल करनी है, दूध के साथ कर लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने चम्मच उठाया, इसको आधी चम्मच लिया और वैसे ही मुंह में रख के और खा लिया, तो ऐसे भी यूज करते हैं। मैं पर्सनली ऐसे ही यूज करता हूँ। दूध के साथ ये होता है कि कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। और बाकी इसका ये है कि अगर व्यूवर्स आपने परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रابطہ करके व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे मशवरा चाहते हैं तो मशवरा फीस 200 रुपये है, मशवरा भी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।